नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ट्यूटोरियल मेड चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि YouTube स्टूडियो में रिटर्निंग व्यूअर्स का डेटा कैसे देख सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग बार बार आपकी वीडियो देखने वापस आते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये जानकारी आपके चैनल की ग्रोथ को समझाने में काफ़ी मददगार होगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मोबाइल के YT स्टूडियो को खोल लेते हैं। अगर आपके पास YT स्टूडियो का ऐप नहीं है, तो आप सीधे अपने ब्राउज़र में जाकर studio.youtube.com पर जाकर आप YT स्टूडियो खोल सकते हैं। इस मोबाइल में मैंने पहले से YT स्टूडियो का एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आपको कुछ इस तरह का अपने चैनल का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको नीचे एक एनालिटिक ऑप्शन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करें। एनालिटिक पेज में आपको ऊपर की ओर कई टैब्स दिखाई देंगे, जैसे ओवरव्यूज, कंटेंट और ऑडियंस। यहाँ से आप ऑडियंस टैब पर क्लिक करें। यही वो जगह है जहाँ हम रिटर्निंग व्यूअर्स का डेटा पा सकते हैं। उसके बाद अब आप ऑडियंस टैब में क्लिक करें। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे जाए, यहाँ पर आपको रिटर्निंग व्यूअर्स और न्यू व्यूअर्स का ग्राफ दिखाई देगा। ये ग्राफ आपको दिखाता है कि कितने लोग आपके चैनल पर नए हैं और कितने लोग पहले से भी आपके वीडियो देख चुके हैं और दोबारा आए हैं। ये डेटा पिछले 7 दिन, 28 दिन और 90 दिनों के लिए उपलब्ध होता है। रिटर्निंग व्यूअर्स का डेटा जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ आपको ये समझ में मदद करता है कि कितने लोग आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और बार बार वापस आ रहे हैं। इससे आप अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकते हैं ताकि आपको रिटर्निंग व्यूअर्स की संख्या बढ़ती रहे। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा तरीका जिससे आप YouTube स्टूडियो में रिटर्निंग व्यूअर्स का डेटा देख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।